पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ सात जी हाँ सिर्फ सात एथलीट्स ने हिस्सा लिया मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है एक और मेडल मनु भाकर के नाम पेरिस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल मनु भाकर ने भारत को दिलाया हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ सात हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही है की ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय अब मनु भाकर बन चुकी हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए इंस्पिरेशन यार कि एक लड़की वहां से एक ओलंपिक में दो मेडल जीत सकती है तो हम तो बत्तीस साल से कोई नहीं जीते पेरिस ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलफाम जोसफ और कश्माला तलत दस मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके मेरा सवाल ये है कि 26 लोग अगर उसमें इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में हाँ। अगर मैं तैरते तैरते एक घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर छब्बीस ही होगा ना हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही तो सोचने का समझने का और अफसोस का मकाम हमें ये है कि अगर एक लड़की भारत से एक ओलंपिक में दो मेडल जीत सकती है तो हमारे यहाँ मतलब और इतनी कोई बड़ी फैसिलिटीज भी शुरू में नहीं थी इनके, इनके तो पास इनका अपना भी बहुत कमाल होगा इन्होंने बहुत मेहनत की होगी और यकीन इनके जो भी कोच रहे होंगे और साथ ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं किया जाता हेलो फ्रेंड्स जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों मनु बाकर और सरबजी सैन दोनों की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है भारत की मनु बाकर और सरबजीत सैन ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ओयजिन और, और ली वनियो की कोरियाई जोड़ी को हराकर कर ब्रॉन्ज मेडल जीता मनु बाकर एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है दरअसल मनु मनुभाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक्स में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है जिन्होंने सरबजी सेंग के साथ पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम वर्ग में कोरिया को हराकर इतिहास रच दिया भारतीय जोड़ी ने कोरिया को 16 10 से हराकर देश को इस ओलंपिक्स में दूसरा पदक दिलाया इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था पेरिस ओलंपिक्स दो के चौथे दिन फैंस की नजरे एक बार फिर मनु बाकर पर रही इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी एक ओलंपिक में दो मेडल नहीं जीत सका सुशील कुमार और बी वी संधु ने जरूर दो दो पदक जीते हैं लेकिन यह मेडल अलग अलग ओलंपिक खेलों में आए इंडिया ने एक मरतबा फिर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है जनाब और मानू भाकर जिनके बारे में मैंने तो पहली दफा ओलंपिक में सुना लेकिन क्या कमाल की वो मतलब उनकी जर्नी है जितने उनके मेडल्स है ना उसके लिए मैंने जब प्रिंट आउट निकालने की कोशिश की तो ये एक प्रिंट आउट तो मैंने निकाल लिया लेकिन आठ प्रिंट आउट के पेजेस चाहिए जी आपको अगर आपने उनके मेडल्स निकालने उनके वाले सब जी सलूट है उन्होंने अपनी बेटी पर डेढ़ लाख जो डॉलर हैं वो लगाए बल्कि इंडियन रुपीज अगर लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल में ये कोई हाँ डेढ़ लाख तकरीबन डॉलर उन्होंने अपनी बेटी पर इन्वेस्ट किए उनको भेजा उनको ट्रेनिंग दिलाई और अब उनकी ओलंपिक्स के दो मेडल हैं वर्ल्ड एथलेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है वर्ल्ड कप में उनकी उनके मेडल्स हैं यूथ ओलंपिक गेम के अंदर है कॉमनवेल्थ के अंदर है सत्रह उनके बड़े मेडल्स uh, है जिसमें uh, पहली मरतबा सा सत्रह उनके बड़े गोल्ड मेडल्स हैं एनी बात करेंगे मानू भाकर पर पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए यार क्या एक लड़की वहां से एक ओलंपिक में दो मेडल जीत सकती है तो हम तो बत्तीस साल से कोई नहीं जीते तो सोचने का समझने का और अफसोस का मकाम हमें यह है कि अगर एक लड़की भारत से एक ओलंपिक में दो मेडल जीत सकती है तो हमारे यहाँ मतलब और इतनी कोई बड़ी फैसिलिटीज भी शुरू में नहीं थी इनके पास इनके गवर्नमेंट नहीं बनाएगी सबसे पहले ओलंपिक्स की जी ओलम्पिक्स जो कि पेरिस में हो रहे हैं इस बार और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी जिसमें हिस्सा ले रही है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो तकरीबन सात एथलीट्स हमारे ऐसे हैं जो इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे जी हाँ और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक दो एथलीट्स हमारे अभी आज के दिन ही में जो है वो बाहर भी हो गए लेकिन कोई बात नहीं इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती है पाकिस्तान में इसी वजह से ओलंपिक्स में लोग पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसमें यकीन उनकी अपनी ही मेहनत और अक्सर अपना ही पैसा होता है जो लोग हार जाते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए जो जीत जाते हैं उनको भी एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता सिर्फ घर के लोग जाते हैं और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा लेकिन जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के लोग जो है वो जैसे थोड़ा बहुत भी जीत कर आते हैं तो ऐसे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और हर लोग हर कोई उनको लेने के लिए पहुंच जाता है जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया है ये और बात है कि जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पे उतरते हैं एक ही फ्लाइट से कभी नहीं आते लेकिन फिर भी अगर वो जीत जाते हैं तो उसका जश्न तो ऐसे मनाया जाता है कि बस ना ही पूछे और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है उनको बहुत पैसा भी दिया जाता है उनके ऊपर बहुत टाइम भी लगाया जाता है उन्हें बहुत डिस्कस भी किया जाता है लेकिन बाकी खेल जो पाकिस्तान में होते हैं उनमें जो स्पोर्ट्स के लोग आते हैं वो बेचारे ज्यादातर अपनी ही मेहनत अपना ही पैसा अपनी ही एनर्जी लगाकर आए होते हैं ना तो उन्हें गवर्नमेंट लेवल पे कोई खास सपोर्ट मिली होती है और ना ही बाकी की पब्लिक उन्हें कोई खास पहचान देती है यही वजह है कि वो बेचारे अगर पहुंच भी जाते हैं बार बार बेचारा कह रही हूँ लेकिन खैर अगर वो पहुंच भी जाते हैं किसी तरीके से ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो जाते हैं खेलने के लिए और उसके बाद अगर वो जीत जाए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कई बार जीते भी हैं ऐसी बात नहीं कि हर बार हार के ही आते हैं लेकिन कभी कभार हार भी जाते हैं और अगर हार जाते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए उस वक्त भी उनको अच्छा ही बताना चाहिए इसलिए कि वो जिस मुकाम तक पहुंचे यानी खेलने के लिए अगर उनको उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में जाके तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ओलंपिक्स हो या कहीं कोई भी जगह हो जहाँ पे कंपटीशन चल रहा हो वो उस कंपटीशन में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते तो अगर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं ओलंपिक्स में और उसके बाद हमारे खिलाड़ी अगर कभी हार भी जाते हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए आप लोगों ने कम से कम कोशिश की आपने पार्टिसिपेट किया आपने मेहनत की अगली बार फिर मेहनत किएगा और कोशिश किएगा कि इस बार से ज्यादा नेक्स्ट टाइम आप अच्छा खेल पेश कर सकें अपने लिए भी अपनी कंट्री के लिए भी बाकी जो कंट्रीज जीत रही हैं उनको तो ऑलरेडी हम मुबारकबाद देते चले जा रहे हैं लेकिन जो हमारे खिलाड़ी अगर कोई हार भी जाता है तो उनको यकीनन उन खिलाड़ियों से सीखना चाहिए जो जीत गए हैं एक हमेशा अच्छा माहौल हमने देखा चाहे ओलंपिक्स हो या किसी भी तरह के गेम्स हो जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में होते हैं खासतौर पे तो उसमें भी हमने देखा कि दोनों तरफ के जो खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो आपस में फ्लैग्स लेके खड़े होते हैं हाथ मिलाते हैं गले मिलते हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो यकीन होगा इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी चाहे पॉलिटिशियंस और बाकी लोग जो के लड़ाई पसंद करते हैं वो कितना मर्जी लड़ा लें लेकिन हमारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई मौका निकाल ही लेते हैं जिसमें हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी वक्त मुबारकबाद भी देते हैं यकीन हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की और अगर हम बात करें ओलंपिक्स की तो आज जी भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है जी हाँ ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके यहाँ की ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर भी मन्नू भकर मन्नू भकर ऐसा कुछ नाम है इनका खैर आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रही हूँ तो